तो न्यूयॉर्क की बैटल को 2 साल हो चुके थे तो कैप्टन स्टीव रॉजर्स अब शील्ड के लिए फुल टाइम काम करने लगे थे, जिसके चेयरमैन एंड डायरेक्टर निक फ्यूरी थे। कैप्टन एंड नताशा रोमनोव को इंडियन ओशन पे एक मिशन पे भेजा जाता है, जहां पर कुछ लोगों ने शील्ड के लोगों को बंदी बना रखा था। तो उन लोगों का मिशन था कि उन्हें सेफली वापस लाने अपने लोग। वहीं दूसरी ओर नताशा रोमनोव कुछ डाटा पेनड्राइव में स्टोर कर देती है उस सॉफ्टवेयर में से, जिसकी जानकारी वो कैप्टन अमेरिका को नहीं देती। मिशन सक्सेसफुल हो जाता है एंड वो सभी लौट जाते हैं शील्ड के हेडक्वार्टर्स में। कैप्टन निक फ्यूरी से उस पेनड्राइव के बारे में पूछने लगते हैं, तो निक फ्यूरी उनको बेसमेंट में लेकर उनके नए प्लान्स के बारे में बताने लगते हैं। उस पेनड्राइव में से डाटा निक फ्यूरी एनक्रिप्ट नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए वो अलेक्जेंडर पियर्स के पास जाते हैं एंड कहते हैं प्रोजेक्ट को डिले करना पड़ेगा। वह अपने घर लौट रहे होते हैं तभी वहां पर कुछ लोग उन पर अटैक कर देते हैं। निक फ्यूरी किसी तरीके से अपनी जान बचाकर भागता है एंड सीधा कैप्टन के पास पहुंच जाता है पेनड्राइव देने, एंड वो उसे हिडन मैसेज देता है कि शील्ड में कुछ घुसपैठिए घुस गए हैं, तो तुम किसी को भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। निक फ्यूरी की कंडीशन क्रिटिकल थी तो अलेक्जेंडर उसे बुलाता है एंड पेनड्राइव के बारे में पूछने लगता है। कैप्टन उनको ट्रस्ट नहीं करते हैं और बोलते हैं कि मेरे को निक फ्यूरी ने कुछ नहीं बताया। अलेक्जेंडर कैप्टन पर हमला करवा देता है शील्ड की फैसिलिटी में ही। वहां से कैप्टन निकल जाते हैं एंड नताशा रोमनोव के साथ उस पेनड्राइव को डिक्रिप्ट करने में कामयाब हो जाते हैं। तो उनको लोकेशन मिलती है न्यू जर्सी की, जहां पर आर्मिन ज़ोला का एक सुपर कंप्यूटर बनाया गया था। तो उनको पता चलता है जब से शील्ड चालू हुई है तब से हाइड्रा भी पनप रहा है देश में, एंड हाइड्रा ह्यूमैनिटी को खत्म करना चाहता है एंड खौफ फैलाना चाहता है। तभी उस बंकर में एक मिसाइल आके टकरा जाती है, तो अलेक्जेंड्रिया और कोई नहीं हाइड्रा का मेंबर ही था एंड अब वो विंटर सोल्जर के साथ काम कर रहा था। कैप्टन एंड नताशा वहां से बचकर निकल जाते हैं एंड फैल्कन के पास पहुंच जाते हैं हेल्प लेने के लिए। वह जेस्पर को धमकाने लगते हैं जो कि शील्ड का एजेंट था, जिससे कि वो सच उगलते कि हाइड्रा में कौन कौन इन्वॉल्व है। तो फिर वो प्लान बताता है कि 3 हेलीकैरियर्स में सैटेलाइट से उन्हें कंट्रोल किया जाएगा एंड सभी टारगेट्स को एलिमिनेट कर दिया जाएगा एक ही टाइम पे। अब जबकि इसने सच उगल दिया था तो विंटर सोल्जर एंड पूरी हाइड्रा की टीम उसके पीछे पड़ चुकी थी। फिर पता चलता है कि विंटर सोल्जर और कोई नहीं बकी बांस था, जो कि कैप्टन अमेरिका दोस्त हुआ करता था एक जमाने में। मारिया हिल उन दोनों को बचा लेती हैं एंड एक सीक्रेट जगह पर लेकर आती हैं, जहां पर पता चलता है कि निक फ्यूरी जिंदा है। तो शील्ड की काउंसिल उन तीनों हेलीकैरियर्स को लॉन्च कर देती है। कैप्टन अमेरिका अपनी स्पीच देते हैं, समझाते हैं कि हाइड्रा के मेंबर्स शील्ड में घुसपैठ कर चुके हैं, तो अब उनको रोकना हमारी ही ड्यूटी है। नताशा एक काउंसिल मेंबर का रूप लेकर वहां पर घुस जाती है एंड वहां पर बैंड बजा देती है उन सोल्जर्स की। तो फिर वह सारा डाटा इंटरनेट पर अपलोड कर देती है, जिससे कि किसी की आइडेंटिटी छुपी ना रहे, जिससे कि सभी हाइड्रा एजेंट्स की शील्ड में पोल खुल जाए। तो अब ये डायरेक्टर नहीं था, क्योंकि असली डायरेक्टर निक फ्यूरी जिंदा था। फिर वह अलेक्जेंड्रिया को मार देते हैं। वहीं दूसरी ओर कैप्टन अमेरिका एंड फैल्कन 2 हेलीकैरियर्स में अपनी चिप लगा देते हैं, जिससे कि वो दोबारा शील्ड के कंट्रोल में आ जाती है। अब बस एक हेलीकैरियर पे कंट्रोल रखना बाकी था, तो वह चिप निकालते ही हैं तभी वहां पर विंटर सोल्जर आ जाता है। वह बकी बांस को बिल्कुल भी नहीं मारते, क्योंकि वह उनका दोस्त था एंड वो चाहते थे कि वो भी याद करे कि वो कैसे दोस्त हुआ करते थे एक जमाने में। उस शिप में एक्सप्लोजन होने लगते हैं, जिसके कारण बकी बांस उस शिप से नीचे गिर जाता है। घायल कैप्टन अमेरिका लास्ट शिप लगा ही देते हैं आखिर में एंड पूरी शिप तबाह होने लगती है एंड वो बेहोशी में नदी में जाकर गिर पड़ते हैं। विंटर सोल्जर उसको बचा लेता है। तीनों हेलीकैरियर एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। निक फ्यूरी अंडरग्राउंड हो जाते हैं एंड बोलते हैं कि हाइड्रा के दूसरे हिस्सों में वो जाकर उनको तबाह करेंगे। वहीं कैप्टन अमेरिका एंड फैल्कन बकी बांस यानी विंटर सोल्जर को ढूंढने का प्लान बनाते हैं। एजेंट ड्रमलो बहुत बुरी तरीके से जल जाता है। मिड क्रेडिट सीन में हमें स्ट्रकर देखने को मिलता है, जो कि एक हाइड्रा बेस पर एक्सपेरिमेंट रन कर रहा होता है, जो कि एक एलियन डिवाइस पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे एंड 2 ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें बकी देखने को मिलता है, जो कि म्यूजियम आया था अपनी बाकी यादें ताजा करने के लिए। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड वोट करिए हमारे चैनल पे कि अगली मूवी आपको कौन सी देखनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।